भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी जिला की जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य का अनुसूचित जाति आयोग है उसकी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे सभी जिला के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। और इसके साथ साथ दो कैटेगरीज जो है इस बैठक में जो है वो आई थी। एक तो चुने हुए प्रतिनिधि जो इस जिला में अनुसूचित जाति के हैं, उसमें हमें खुशी है कि तीन विधायक हमारे इसमें जो है विनोद कुमार जी और साथ ही अपने इंदिरा गांधी जी और हीरा लाल जी, तीनों विधायक जो है इस बैठक में पूरी तरह से मौजूद रहे। और जिला परिषद और म्यूनिसिपल कमेटीज कॉरपोरेशन VDC के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अनुसूचित जाति के, उनको भी इसमें आमंत्रित किया था। उनके सुझाव भी हमने लिए हैं, कुछ शिकायतें भी उन्होंने दर्ज करवाई। मेरा इतना मानना है कि इस आयोग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की अनुसूचित जाति वर्ग पर जो है कुछ अत्याचार होते हैं उसको हम उसका आकलन कर रहे हैं। पर मुझे खुशी ये भी है कि हिमाचल प्रदेश कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट्स में जिस तरह के अत्याचार अनुसूचित जाति वर्ग पर होते हैं, हिमाचल प्रदेश उसमें बहुत पीछे है। और यहाँ पर आपसी भाईचारा, देवभूमि होने के नाते वो भाईचारा जो है लगभग बहुत ठीक चल रहा है। पर हम तो ये चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस जो है वो अनुसूचित जाति के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ के हों, तो हमारा जो कमीशन है वो इसी प्रकार से सारे जिलों की बैठक करके जो है वो काम करने का उसने प्रयास किया है। पहली बार ही नहीं, दूसरी बार ये गठित हुआ है। उसके गठन से जो है हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुछ राहत जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही जो केंद्र से डेवलपमेंट फंड आता है वो भी हिमाचल प्रदेश में जो आज की हमने बैठक ली है, लगभग उसमें हम सेटिस्फाइड हैं कि 100% जो है, कुछ थोड़ा सा विभागों को छोड़ के बाकी 100% जो है वो SC फंड जो है SCDP का वो पूरी तरह से लगा है। ये भी जिला के लिए जो है एक अच्छी बात है। यहाँ के हमारे चाहे वो जिला के जिलाधीश हैं चाहे यहाँ के SP हैं, और मेरे साथ विशेष तौर से जो कमीशन में जॉइंट डायरेक्टर हैं वो भी आज मौजूद थे, और कमीशन के ही मेंबर हमारे अजय चौहान जी जो मंडी से संबंधित हैं वो भी आज इस बैठक में मौजूद थे।